सपा सांसद आजम खां की गिरफ्तारी संभव, जमीनों पर कब्जा करने का है मामला। रामपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने कहा कि सांसद आजम खां के खिलाफ जो धाराएं लगी है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए काफी है। आपको जानकारी दें कि अखिलेश यादव सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की गिरफ्तारी संभव है। उनके खिलाफ जमीन कब्जा करने के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। भू माफिया घोषित होने के बाद रामपुर नहीं आने वाले आजम खां के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच भी जारी है। रामपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने कहा कि सांसद आजम खां के खिलाफ जो धाराएं लगी है वह तो उनकी गिरफ्तारी के लिए काफी है। उनके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक किसानों ने जमीन कब्जा करने का मुकदमा दर्ज कर रखा है। इसके बाद उनको रामपुर में भूमाफिया घोषित किया गया है। जोहर अली यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन जबरन हड़पने को लेकर आजम के खिलाफ किसानों ने 26 मुकदमे दर्ज कराए हैं। ये सभी किसान अब आजम खां की गिरफ्तारी की मांग तथा अपने मामले में न्याय की खातिर इलाहाबाद में हाईकोर्ट में शरण ली। किसानों की ओर से लगातार दर्ज हो रहे मामलों के बाद अब रामपुर शहर कोतवाली में आजम समेत 4 लोगों पर शत्रु संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। वहीं सपा सांसद आजम खां पर 2 मुकदमे महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के भी हैं। इनमें भी जो धाराएं लगी है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए काफी है। भूमाफिया घोषित होने के बाद वह करीब 1 माह से गृह जनपद रामपुर नहीं आए हैं, जबकि आमतौर पर शनिवार और रविवार को अपने पैतृक निवास रामपुर में ही बिताते थे। कुछ आए थे जिला प्रशासन के लोग, उन्होंने नोटिस दिया, काम को बंद करा दिया। और काम बंद होने के बाद भी जब मुझसे पूछा गया तो मैंने यही कहा कि अगर आप ये सोचते हो कि इन हरकतों से कोई आपके आगे झुक जाएगा, आपसे समझौता कर लेगा, ये वही जबान बोलने लगेगा जो भारतीय जनता पार्टी सुनना चाहती है, तो ये आपकी गलतफहमी। क्या होगा हद से हद, आप तोड़ दोगे, यूनिवर्सिटी गिरा दोगे, रामपुर पब्लिक स्कूल तोड़ दोगे। खुदा कल दोबारा जब कभी अच्छे दिन लाएगा, जब माहौल फिर पुरसुकून और अमन का होगा, मौला ताकत देगा तो फिर बना लें। और जहाँ तक टूटने की बात है, इतने कमज़ोर अभी भी नहीं है कि किसी राह चलते आदमी की इमारत आप आके गिरा दोगे। पूरा रामपुर अपनी तारीख की और अपने तालीमी इदारों की हिफाजत करना जानता है, और वो अपनी हिफाजत करेगा आखिरी वक्त तक करेगा। अच्छा है जब कभी तारीख लिखी जाएगी तो ये भी लोकतंत्र के काले दिन ज़रूर लिखे जाएंगे, और इन अधिकारियों का चरित्र भी दिखेगा जो 2020 की फरवरी में जिनका डेपुटेशन ख़त्म हो गया, जिन्हें सिक्किम वापस जाना है। वो भी अच्छा है जिसकी जितनी खुशामद कर सके कर ले, ताकि डेपुटेशन बढ़ जाए। आप सिक्किम में तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा, रामपुर में तो बतेरे लोग हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, बड़े रास्ते हैं, बड़ा खनन है, डिस्लरी है, बहुत कुछ है रामपुर, उत्तर प्रदेश है। तो अच्छा है, अपने आप को जितना भाजपा का वफादार साबित कर लेंगे, योगी जी और मोदी जी फरवरी में नहीं भेजेंगे वापस। देखिए, जो सांसद आजम खान साहब हैं उन पर अलग अलग तरह के मुकदमे दर्ज हुए, करीबन 2 मुकदमे जो महिलाओं के संबंध में अभद्र टिप्पणी को लेकर के, 27 मुकदमे जो किसानों की ज़मीन है उसके संबंध में, 1 मुकदमा कल 420, 467, 468, 471 धारा में दर्ज हुआ है, जो शत्रु संपत्ति के ऊपर दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ करके उसमें जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जे को लेकर, और इसके अलावा कुछ और शिकायतें पड़ी हैं। और इसी के साथ मदरसा आलिया की जो किताबें हैं उनकी चोरी के संबंध में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ और वो सर्च के दौरान उनकी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अलग अलग ब्लॉक्स में मिली हैं, तो इसमें अलग अलग धाराओं में ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जो इनमें धाराएँ हैं उनके अंतर्गत डेफिनेटली वो सेक्शन अरेस्टिंग के लिए हैं, सक्षम हैं, एंड बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य हैं, साक्ष्य हैं और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज हैं वो जुटाए जा रहे हैं। जो भी एविडेंसेज के बाद हमारे सामने जो चीज़ें निकल करके आएंगी उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, लगभग करीब 1 महीने से ज़्यादा उनको बाहर हो गया, अभी तक रामपुर नहीं आए, तो क्या कोई गिरफ्तारी का डर है कि कहीं गिरफ्तार नहीं हो जाए? इसलिए वो उनका पर्सनल विवेक है कि वो रामपुर आने के लिए, एंड डेफिनेटली हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से जो हमारे एविडेंसेज हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सम्मिलित करते हुए कर रहे हैं, एंड जो भी न्यायचित होगा
और जो हमारे एविडेंसेस होंगे उसके आधार पे जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अच्छा, अभी तक जितने मुकदमे दर्ज हुए उसमें जो है गिरफ्तारी संभव है? जी डेफिनेटली, जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस के आधार पे वो उन सेक्शंस में गिरफ्तारी होती है।